नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर, वेरी हैंडसम एंड वेरी टैलेंटेड टिकटॉक स्टार एंड टिकटॉक किंग दीपक जोशी के बारे में। आज हम जानेंगे दीपक जोशी की लाइफ स्टोरी के बारे में। वीडियो के एंड में दीपक जोशी का एक फन फैक्ट बताया गया है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और वीडियो के बीच में दीपक जोशी और निशा गर्गियन के रिलेशनशिप के बारे में भी बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनका पूरा नाम दीपक जोशी है और इनका निक नेम दीपू है। दीपक जोशी टिकटॉक के स्टार हैं और इनके 12 मिलियन से ज़्यादा फैंस हैं। दीपक जोशी का जन्म 10 अप्रैल 2004 को राजस्थान के सिरोही ज़िले में हुआ था और अब इनकी उम्र 16 इयर्स की हो चुकी है। दीपक जोशी ने 10th अजीत विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही से कंप्लीट की और अब वे 11th क्लास में हैं। वे पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और हर बार क्लास में टॉप करते हैं, पर उनको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और वे बचपन से ही क्यूट थे। तो उन्होंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू किया। पहले तो कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं आया, परंतु धीरे धीरे उनके लिपसिंग और कॉमेडी वीडियोस वायरल होने लगे और देखते ही देखते उनके 12 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए। इनके परिवार में इनके माता पिता, एक छोटी बहन है जो कि कई बार उनके साथ उनकी वीडियो में देखी गई है। इन्होंने टिकटॉक के ट्रेंड को देखते हुए अपनी एक टीम बना ली जिसका नाम उन्होंने लूजर्स रखा। इनकी टीम में 4 मेंबर हैं, जिनमें तुषार सिलावट, जिनके टिकटॉक पर 7 मिलियन फॉलोवर्स हैं, सेकंड है दीपक जोशी, थर्ड हैं साहिल गोयल जिनके टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोवर्स है, और फोर्थ है निशा गर्गिन जिनके टिकटॉक पर 26 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स है। अगर आपको इन सभी में से किसी की भी लाइफ स्टोरी की वीडियो जाननी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब बात करते हैं दीपक जोशी की टिकटॉक जर्नी के बारे में। तो फ्रेंड्स, दीपक जोशी ने अपना टिकटॉक अकाउंट अप्रैल 2019 में बनाया और इसी महीने उन्होंने अपनी पहली वीडियो डाली थी। शुरुआती दिनों में वे 1-2 वीडियोस अपलोड किया करते थे। धीरे धीरे इनकी वीडियोस वायरल होने लगी और उनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। देखते ही देखते दीपक जोशी के टिकटॉक अकाउंट पर 4-5 महीने के अंदर अगस्त में 5 लाख फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद दीपक जोशी ने टिकटॉक पर अपना करियर बनाने का सोचा और टिकटॉक पर मेहनत करने लगे। 500 के फॉलोवर्स होने के बाद दीपक जोशी रोज़ाना करीब करीब 5-6 वीडियोस अपलोड कर देते थे और एक महीने के अंदर सितंबर में दीपक ने 1 मिलियन फॉलोवर्स गेन कर लिए और वे तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और लोगों को उनकी वीडियोस पसंद आने लगी। और करीब करीब 6 महीने बाद दीपक जोशी के टिकटॉक पर मार्च 2020 में 5 मिलियन फॉलोवर्स कंप्लीट हो गए और अब वे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आने लगे। उनकी लिपसिंग वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी।
पर अब भी उनको पॉपुलर क्रिएटर का टैग नहीं मिला। अप्रैल का महीना उनके लिए हमेशा अच्छा रहता है। इसी महीने में उनका जन्म हुआ, इसी महीने में उन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया और इसी महीने अप्रैल 2020 में उनके 7 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने के साथ साथ पॉपुलर क्रिएटर का टैग भी मिल गया था और अब तक उनके 12 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। दीपक जोशी के इंस्टाग्राम पर 374K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब वे ब्रांड प्रमोशन करके पैसे कमाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अब वे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। अब वे ब्रांड प्रमोशन से कम एक महीने में 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं। वे अपने इंस्टाग्राम पर एक सप्ताह में 3 से 4 पोस्ट कर देते हैं। दीपक जोशी कई बार फेमस टिकटॉक स्टार एंड पॉपुलर क्रिएटर निशा गर्गिन के साथ वीडियो बनाते हैं। निशा गर्गिन के टिकटॉक पर 26.8 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि निशा गर्गिन दीपक जोशी की गर्लफ्रेंड है, पर ऐसा कुछ नहीं है। दीपक जोशी निशा गर्गिन को अपनी बहन मानते हैं और इसका पता हमें तब चला जब दीपक जोशी को पॉपुलर क्रिएटर मिला था। तब निशा गर्गिन ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर। तो इससे साफ पता चलता है कि दीपक जोशी और निशा गर्गिन भाई बहन हैं या फिर उनकी क्लोज फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उनकी बाइक के बारे में। तो उनके पास है रॉयल इनफील्ड और उन्होंने इस बाइक को अपनी खुद की कमाई से परचेस किया है और वे पहले से ही बुलेट लवर रहे हैं और साथ ही वे आईफोन लवर भी हैं। उनके पास आईफोन 11 प्रो मैक्स फ़ोन है जो कि उन्होंने अपने पैसे से ख़रीदा है और अब वे अपना खर्चा खुद उठाते हैं और घर पर भी थोड़ी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दीपक जोशी के फिज़िकल ओवरव्यू के बारे में। दीपक जोशी की हाइट 5 फीट 8 इंचेस है और उनका चेस्ट 36 इंच का, वेस्ट 32 इंच का और बाइसेप 14 इंच का है और दीपक जिम जाना भी पसंद करते हैं। वे रोज़ाना सुबह 6 से 8 जिम में जाते हैं और हेल्थी डाइट फॉलो करते हैं। वे अपना इंस्पिरेशन दानिश जैन को मानते हैं। दीपक जब टिकटॉक पर नहीं थे तब दानिश जैन को वे फॉलो करते थे और उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उनकी हॉबीज़ के बारे में। तो उनको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वे ज़्यादा लिप सिंग वीडियोस सॉन्ग पर ही बनाते हैं और साथ ही उन्हें डांसिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका हेयर कलर ब्लैक और वाइट है। उनका फेवरेट कलर ऑरेंज और रेड है। इनका शू साइज 8 है और जोशी ज़्यादातर वाइट कलर के शूज़ पहनते हैं। उन्हें नाइकी और जॉर्डन के शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। दीपक जोशी का फेवरेट फूड पिज़्ज़ा और बिरयानी है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का मानना है कि दीपक जोशी रियाज अली से बेहतर है। दोनों ही कम उम्र के हैं और साथ ही साथ क्यूट होने के कारण टिकटॉक पर रियाज के बाद दीपक जोशी का नाम लिया जाता है और दीपक जोशी को चश्मे पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उनकी अधिकतर वीडियोस में वे चश्मे में दिखाई देते हैं। दीपक जोशी ने बहुत सी लड़कियों के साथ वीडियोस बनाए हैं पर कोई भी लड़की उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। वे अभी भी सिंगल हैं और अभी वे अनमैरिड हैं।
तो जैसा कि हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा था कि हम दीपक जोशी के बारे में एक फन फैक्ट बताएंगे, तो दीपक जोशी अपने हर वीडियो में अपने हाथ को अपने बालों में डालते हैं और वे अपने अधिकतर वीडियोस में चश्मे में वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको हमारा ये फन फैक्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर देने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे। और अगर आपको किसी और की लाइफ स्टोरी जाननी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।